हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8 सी पे और क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें। एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:5, 9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात 3:5, 5:9:13 है। तो एंगल ए आप मान लो यहाँ पर 3x, एंगल बी मान लो 5x, एंगल सी मान लो यहाँ 9x और एंगल डी मान लो यहाँ पर 13x दिया हुआ है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं प्रश्न से कि इन सभी कोणों के योग की बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एक कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है। ठीक है, यह है आपका 3x, यह है आपका 5x, यह है आपका 9x और एक है 13x, इक्वल टू में 360। अब देखिए यहां पर इनको जोड़ देते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से जुड़ के, देख लो 5 3 8, 8 9 17 और 17 13 30 इक्वल टू में 360। तो x बराबर में 360 और बटा में यहाँ पर 30, 1 0 0 कैंसिल, ये 12 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 12 डिग्री आ जाएगा, है ना जी। चलिए अब देखिए, एंगल ए क्या था आपका 3x ना, तो 3 × 12, 12 × 3 = 36 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी कितना था, 5x ना, तो 5 × 12, 12 × 5 = 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी की बात करेंगे तो 9x है, तो 9 × 12, 12 × 9 = 108 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी की बात करें तो वह है 13x, तो यहाँ पे 13 × 12 × कर देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा यहाँ से 156 डिग्री। समझ गए, आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ, बनाया तो मैंने आयत ही है लेकिन कहूंगा कि मैं ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या कर रहा है कि इसके विकर्ण बराबर है, यानी कि यहाँ पे ये विकर्ण ए सी और ये विकर्ण बी डी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, इसे आयत साबित करना है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। एक काम करते हैं, जब विकर्ण बराबर दिया हुआ है तो अगर हम लोग एक कोण समकोण दिखा दे तो काम बन जाएगा। तो चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, यहां से देखिएगा ए बी सी और इस बी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, यहां पर ए सी बराबर बी डी, विकर्ण तो बराबर दिया है ना जी। दूसरी बात करेंगे तो यहां इसका बी सी जो होगा ना, इसके ए डी के बराबर हो जाएगा, है ना। लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हो गया। चलिए अब देखिए, तीसरी बात करेंगे तो इस त्रिभुज में ए बी और इस वाले त्रिभुज में ए बी है, उभयनिष्ठ होगा, ए बी इक्वल टू में लिख देते हैं बी ए, ये आपका उभयनिष्ठ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, कैसे, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गए त्रिभुज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा कि नहीं, एंगल बी ए डी के, C
CPCT से corresponding parts of congruent angle. चलिए अब देखिए, जब ये कोण बराबर हो गए और ये दोनों आसन्न कोण है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है. हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक होते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे एंगल एबीसी, अच्छा बीएडी को हम हटा कर एंगल एबीसी ही लिख देते क्योंकि दोनों तो बराबर ही है और बराबर में 180. तो दो एंगल एबीसी और बराबर में 180 डिग्री ये जाएगा भाग में, तो एंगल एबीसी बराबर में 180 डिग्री और बट्टा में दो कट के 90, यानी कि यहाँ से आ गया एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री. तो जब एक कोण समकोण हो गया है ना, तो हम लोग जानते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है. तो अतः लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है, हमने साबित करके यहाँ दिखा दिया. समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है. दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है. चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ना एक चतुर्भुज बना लेते हैं. इस चतुर्भुज को सम चतुर्भुज दर्शाना दिखाना है, जबकि कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है ना परस्पर जो है समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं. ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं. ये हमारे पास चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया, इसका विकर्ण जो है ना परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 भी है और ये दो बराबर भागों में बट भी रहे हैं. ठीक है, हमारे पास क्या दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं. तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है. तो विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें, अगर हम लोग प्रत्येक भुजा बराबर दिखा दें तो सम चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं, उतना सही. चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण लेते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, इसमें ओ बी इक्वल टू में ओ डी हो जाएगा. ठीक है, आपके पास कह रहा है कि ए सी तथा बी डी विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं. तो यहां समद्विभाजित करते हैं, इससे यह हो गया. अच्छा, समकोण है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये दूसरा वाला भी इससे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल ए ओ डी बराबर 90. तो ये दोनों चीज इसी से हो जाएगा, ये समद्विभाजन के कारण और समकोण बना रहे इसके कारण. अच्छा, फिर यहाँ पे देखो ओ ए इक्वल टू ओ ए, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में है. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से. ठीक है, तो ए ओ बी और ए ओ डी ये सर्वांगसम हो गए. यहां ए बी बराबर में ए डी लिख सकते हैं ना सीपीसीटी से. इसी प्रकार अगर इन दोनों त्रिभुजों को लेते तो ए बी बी सी के बराबर हो जाता. इसी प्रकार ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा सी डी, है ना जी, और सी डी बराबर हो जाएगा ए बी. तो इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में ए बी. जब प्रत्येक भुजा बराबर हो गई और समकोण पर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अतः चूंकि यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि ए सी और बी डी विकर्ण
समकोण पर समविभाजित करते हैं, पर समविभाजित करते हैं, ठीक है। और यहां पर हमने प्रत्येक भुजा दिखा दिए, अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, हमने यहां पर दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक वर्ग ले लेता हूँ, हमारे पास दिया है कि एक वर्ग है, हमें दिखाना है कि इसका विकर्ण बराबर होगा और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ए बी सी डी हमारे पास वर्ग है, हमें दिखाना है कि ये विकर्ण ए सी जो है ना बी डी के बराबर है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, 90 बनाते हैं और एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते भी हैं। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है हमारे पास वर्ग है, तो सिद्ध करना है। अच्छा ये विकर्ण वाले के बारे में लिख देते हैं कि विकर्ण विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमारे पास दिया है, ऐसा इतना लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, पहले कह रहा है कि विकर्ण बराबर है यानी कि AC बराबर BD, फिर आगे क्या कह रहा है कि एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग विकर्ण बराबर दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी ले लेते हैं, ए बी सी ये वाला और बी ए डी ये वाला। देखिए पहली बात इसमें तो कि यहाँ पर इसका बी सी जो होगा इसके ए डी के बराबर हो जाएगा, है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, जान चुके हैं। दूसरा यहां पर हो जाएगा एंगल ए बी सी बराबर में एंगल बी ए डी प्रत्येक 90, वर्ग है तो प्रत्येक 90 हो जाएगा। अच्छा तीसरी अगर हम लोग बात करें तो इसमें ए बी है इसमें बी ए है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, बी ए डी के कैसे हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांशमता से यहाँ पे लिख सकते हैं। जब त्रिभुज सर्वांशम हो गया यहाँ पे लिख सकते हैं कि विकर्ण ए सी जो होगा विकर्ण बी डी के बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से विकर्ण बराबर दिखा दिया। अब हमें क्या करना है कि इसके कोण जो होंगे ना, सॉरी इसके विकर्ण जो होंगे ना समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये ओ बी ओ डी के बराबर है ना और ओ ए ओ सी के बराबर होगा और यहाँ एंगल ए ओ बी 90 होगा, ये हमें दिखाना होगा। चलिए इसको देखते हैं, चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले हिस्से के लिए। लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ले लेते हैं सी ओ डी, पहले इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखो ना एंगल ओ ए बी बराबर में एंगल ओ सी डी हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण की युग्म है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें ए बी जो होगा सी डी के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए अच्छा अब हम लोग क्या बात करें, तीसरा यह वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, एंगल ओ बी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, एकांतर अंतःकोण के युग्म है इसलिए, ठीक है। तो यहां से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, एंगल साइड एंगल सर्वांशमता से। तो जब ये सर्वांशम हो गए ये दोनों त्रिभुज,
तो यहाँ से OA जो होगा OC के बराबर हो जाएगा, और OB जो होगा OD के बराबर हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, ठीक है। अच्छा, हमने ये दिखा दिया है कि ये विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब हमें दिखाना है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं। तो देखो ना, यहाँ पर ये इसके बराबर तो अभी हम लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये कॉमन है, ये हो तो गया। AB इक्वल टू AD, वर्ग की भुजाएं हैं तो बराबर होंगी ही, बहुत बार लिख चुके हैं। दूसरा, अगर OB बराबर में OD, ऊपर साबित कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरी बात करेंगे तो OA इक्वल टू में OA, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD के, भुजा भुजा भुजा, भुजा सर्वांगसमता से। जब ये सर्वांगसम हो गए यहां से, तो यहां से देखो एंगल AOB बराबर हो जाएगा कि नहीं एंगल AOD के, CPCT से हो जाएगा ना जी, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और चूंकि एंगल AOB और एंगल AOD रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म में दिख रहा है ना जी, तो यानी कि रैखिक युग्म है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि एंगल AOB प्लस एंगल AOD दोनों मिला के 180 होगा। तो एंगल AOB प्लस में एंगल AOD की जगह पे एंगल AOB ही ले रहे थे, क्योंकि दोनों एक ही इक्वल है, अभी हमने दिखाया ऊपर CPCT से इक्वल टू 180। दो एंगल एंगल AOB इक्वल टू में 180, दो जाएगा भाग में, जैसे एंगल AOB 90 आ गया। तो जब एंगल AOB हमने 90 दिखा दिया, 90 दिखा दिया, और यहाँ ये समद्विभाजक दिखा ही दिया था, तो अतः यहाँ नहीं कह सकते हैं, और तथा इसमें यह भी लिख देते हैं कि ऊपर हमने दिखाया था कि ओ ए इक्वल टू में ओ सी है, ओ बी इक्वल टू में ओ डी है। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, हमने यहाँ पे दिखा दिया, समझे ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर देखते हैं। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजक करें तो वह एक वर्ग होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं, यहाँ पर चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि इसके विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो हमें ये दिखाना है कि ABCD क्या है, वर्ग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, ये लंब है, ये समद्विभाजित भी कर रहे हैं, ये दिया हुआ है, दिया है चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC बराबर में BD तथा विकर्ण AC और BD परस्पर लंबवत या परस्पर लंब है, परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अच्छा कर देते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण है ना जी, है ना, और भुजा बराबर होती है। तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण लेते हैं, भुजा को ही बराबर करते हैं। देखिए चलिए, अब इसके बाद हम लोग लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, यहाँ OB इक्वल OA इक्वल टू में, सॉरी ओ बी ना हो जाएगा,
ओ बी इक्वल टू में ले लेते हैं यहाँ पे ओ डी, है ना। अच्छा दूसरा एंगल ए ओ बी इक्वल टू में एंगल ए ओ डी, ये दोनों क्यों हो रहा है? तो देखिए ये समद्विभाजित हो रहा है और ये समकोण पे हो रहा है, इसलिए यानी कि हम लोग दोनों एक साथ लिख देते हैं कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये इक्वल हो गया एओबी और एओडी। अच्छा तीसरी देखिए ओए जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो यहां से दोनों त्रिभुज त्रिभुज एओबी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एओडी के, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ए ओ बी और ए ओ डी, कैसे हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से, जब ये सर्वांगसम हो गए तो क्या से ए बी ए डी के इक्वल नहीं हो जाएगा जी? ए बी इक्वल टू में ए डी, सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रेंगल। इसी प्रकार अन्य भी भुजाओं को दिखा सकते हैं सर्वांगसम करके, इसको इसको सर्वांगसम करेंगे तो यहाँ ए बी बी सी के इक्वल आ जाएगा, इसको इसको सर्वांगसम करेंगे तो यहाँ बी सी सी डी के इक्वल आ जाएगा, फिर इसको इसको सी डी के साथ ए सर्वांगसम, ये वाले त्रिभुज ये वाले त्रिभुज करेंगे तो सी डी इक्वल टू में ए डी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अच्छा एक कोण समकोण दिखा देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए प्रत्येक भुजा हमने बराबर दिखा दी है यहाँ पर, अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब प्रत्येक कोण कोई भी एक कोण समकोण दिखा देंगे तो हो जाएगा ये आपका की वर्ग है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में इन दोनों त्रिभुजों में देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा इन दोनों में, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका ए सी जो है ना वह बी डी के इक्वल है, ये दिया है विकर्ण बराबर है। अच्छा यहाँ पर बी सी जो है ना वह ए डी के इक्वल है ना, ऊपर दिखाए हैं चूंकि ए बी इक्वल टू में बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी, तो ये हो जाएंगे ऊपर साबित कर चुके हैं। तीसरा अगर हम लोग देखें तो ए बी इसमें भी है और इसमें बी ए है, तो दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो यहां से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के भुजा भुजा भुजा, भुजा सर्वांगसमता से। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहां पर देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू में एंगल बी ए डी सी पी सी टी से, ये बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो एंगल यहाँ पे ए बी सी बराबर हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज ले लें और ये वाला त्रिभुज ले लें, ए बी सी और डी सी बी ले लें, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी बराबर में एंगल बी सी डी हो जाएगा। एंगल सी यहाँ पे लिख देते हैं बी सी डी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ए के, है ना जी। इसका मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी कि अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल ए बी सी बराबर में एंगल बी सी डी बराबर में एंगल सी डी ए और बराबर में एंगल आपका हो जाएगा बी ए डी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका मतलब एंगल बी से है, इसका मतलब एंगल सी से, इसका मतलब एंगल डी से और इसका मतलब एंगल ए से है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इन चारों कोणों के योग की बात करेंगे, चतुर्भुज है तो 360 हो जाएगा ना, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल ए को ऐसे ही छोड़ दो, एंगल बी भी एंगल ए ही लिख दो, सब एक दूसरे के बराबर, तो सबको एंगल ए बना देते हैं
और बराबर में 360 डिग्री। तो 4 एंगल ए इक्वल टू में 360 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू में आ जाएगा 360 डिग्री और बटा में यहाँ पे 4, इसको काट देंगे 90 बार में, तो एंगल ए जो हो जाएगा 90 आ जाएगा। एंगल ए 90, एक कोण समकोण हो गया, एक कोण समकोण हो गया। और ऊपर देखिए हमने यहाँ प्रत्येक भुजा बराबर दी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ग नहीं हो जाएगा। तथा ऊपर हमने दिखाया है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, वर्ग ही ना हमें साबित करके दिखाना था। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।